खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री, परामर्श निशुल्क। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। दमोह के देहात थाना अंतर्गत आने वाली सागर नाका चौकी के सामने आज परिजनों ने सबको रखकर जमकर हंगामा किया। मामला दमोह जिले के देहात थाना अंतर्गत आने वाले इमालिया लांजी गांव का है, जहां पर रहने वाले लखन पटेल ने देर रात फांसी लगाने का प्रयास किया। वहीं जैसे ही परिजनों को इसकी जानकारी लगी, वे उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान लखन पटेल की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि लखन के चाचा द्वारा उसे प्रताड़ित किए जाने के बाद ही उसने यह आत्मघाती कदम उठाया है। परिजनों का कहना था कि लखन के चाचा पप्पू पटेल उसे लगातार प्रताड़ित करते थे, जिसके चलते उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों का कहना था कि पुलिस भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसके बाद परिजनों ने सागर नाका चौकी के सामने पहुंचकर सबके साथ जमकर हंगामा किया, साथ ही मामले में कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले में देहात थाना प्रभारी का कहना था कि मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। मामले में मार्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराकर सब जहां परिजनों को सौंप दिया गया है, वहीं आरोपी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। काफ़ी देर के हंगामे के बाद पुलिस की समझाइश पर परिजन शांत हुए। फांसी लगाई गई है उनकी। कौन लगवाई है? चाचा ने, पप्पू कुर्मी ने फोन लगाया है यहीं आओ काम करने। किस बात को लेकर फांसी लगाई है उन्होंने? पता मालूम नहीं हमको, घर ही नहीं गए हैं वो। आपको क्या बताया उन्होंने, कभी बताया कुछ? कुछ नहीं। तो पैसे से थी या कुछ जेवर क्या था आपको? जेवर ले गए सब जितना था। कहाँ ले गए? घर अपने खुद के। क्या कह रहे? कह रहे थे दोनों को जान से मार देंगे। तो मालूम नहीं, हम शादी को गए थे मौसी के यहाँ, जब भी कह रहे थे कहते हमें मतलब नहीं है, पत्ता कट गया है यहीं। हमें तो सुबह पता चली आज। आपको आप क्या लग रहा है कि कैसे घटना घटी उनके साथ? हमें नहीं है मालूम। किसी पे शक है आपको? किसी पे शक किस पे आ रहा है आपको? चाचा पे, पप्पू चाचा पे। उन्हीं ने बुलाओ तो फोन लगाते बेर को। क्या कहते हैं? बेरोवाई लगने हैं ते आओ, जरेटा काटने जाना है पहाड़ में, और कुछ नहीं बताया मुझको। फांसी लगा दी, ओताई काम कराते वहीं पर रहते थे बेचारा। फांसी क्यों लगा दी? मालूम नहीं। उन्हें लगाई है किसी? लगा दी है उन्हें? लगाई है कि लगा दी गई है? कल रात में लखन पटेल पिता रामदास पटेल, उम्र 19 साल, निवासी इमलिया लांजी का है। कल रात में इसने 8 बजे के समथिंग फांसी लगा ली थी घर में। जो इलाज के लिए भर्ती हुआ था अस्पताल में, जो थाने में पता चला कि इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसकी पत्नी रजनी पटेल ने शिकायत की है कि इसके चाचा, मतलब चाचा और इनका विवाद हुआ था। जांच चल रही है, जैसे जांच के आधार पर जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। आरोप किस पे लगा रहे हैं? उसका जो सगा चाचा है लखन पटेल का, पप्पू पटेल, उस पर आरोप लगा रहा है। हाँ, पोस्टमार्टम पीएम वगैरह सब कार्रवाई हो गई, मर्केंट में भी हो गया। अब जैसे जांच के आधार पर जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इनका एक्चुअल में इनको ये पता नहीं, इनको ये लग रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनको बता दिया गया है कि मार्केट इंटीमेशन हो गया, उसके बाद जांच चल रही है, जो भी कार्रवाई होगी उसके आधार पर गई। वो संतुष्ट हो गए, उनको समझ में आ गया कि कार्रवाई चल रही है। सर, आरोपी को भी अभिरक्षा में ले लिया गया? हाँ, आरोपी को भी पूछताछ के लिए ले लिया गया। सर, प्रथम दृष्टया क्या मामला था?
प्रथम दृष्टया विवाद पर से फांसी लगाना प्रतीत हो रहा है, बाकी जैसा भी जांच के आधार पर जो सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी राहुल राखियां, स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता, मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी जिला दमोह, दमोह ब्रांच शुभारंभ शोरूम के बाजू से मेन रोड दमोह, जबलपुर ब्रांच इंडियन कॉफी हाउस के पास दीनदयाल चौक जबलपुर। कृपया ध्यान दें, हमारी कंपनी की गाड़ी आपके नजदीक शहर में पहुंच सकती है। संपर्क करें 9685731550747047 कि वो मास्क लगाएं।